निशा, हमें तुमसे कुछ पूछना है। बोलो, इनकार नहीं करोगी? बोलिए, क्या पूछना है आपको? पहले बोलो हाँ। हाँ। निशा, छोटे बच्चों को पेट में छुपा कर क्यों रखते हैं? तुम्हें अजीब नहीं लगता? जमाना की सारी औरतें बीमार पड़ गई, क्या तुम भी बीमार पड़ जाओगी? या अल्लाह, इतने सारे सवाल! आप तो बहुत बड़े हो गए खुर्रम। तुम थक गई होगी, चलो बैठ जाओ। तुम हमारा ख्याल रखने कब आओगी? ये तो हम नहीं जानते शहजादी। जब वो छोटा बच्चा तुम्हारे पेट से बाहर आ जाएगा, तब उसे यहाँ ले आना, हम उसे शतरंज खेलना सिखाएंगे। जो हुक्म शहजादे। जहाँ पर आप तशरीफ ला रहे हैं, शहजादे खुर्रम से मिल। क्या बात है, आज हमारे शहजादे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अबू, ये निशा है, हमारा खास ख्याल रखती थी। ऐसी बात है तो ये इनाम की हकदार है। होशियार खान। जी जहां बना। मालूम होता है ये बहुत शर्मीली है। आप लाहौर से हैं? जी जहां बना। अबू, आप इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं? नहीं तो। अबू, ये ग्यास बे की बेटी है। आप अली कुली खान की बेगम हैं? जी जहां पना। अभी अभी राजपूताना से खबर मिली, हमारी फौज और अली कुली खान दोनों सलामत हैं। हम शहजादे की सलामती की भी दुआ करते हैं। जहां पना, पाशा बेगम आपका इंतजार कर रही है, चलें। हमारी फौज को जल्द से जल्द कूच कर देनी चाहिए, क्योंकि किले तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम एक पहर लगेगा। मियां मंजू अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुके हैं, और किसी भी हालत में हमें आज रात को हमला बोल देना चाहिए। फौज को बस हुक्म का इंतजार है और हमें अहमदनगर पर फतेह का। लाहौर से बाकी टुकड़ियां आते ही हमारी फौज बीजापुर की तरफ कूच कर जाएगी, और उसके बाद गोलकुंडा। खाने खनन, हमने सुना है कि आप आज रात अहमदनगर पर हमला कर रहे हैं। किससे पूछ के फैसले ले रहे हैं आप लोग, और आपने हमें इतला नहीं दी? आपकी तबीयत नासाज थी, इसलिए हमने सोचा। आपको सोचने की इजाजत किसने दी है अबुल फजल? ये हमारी फौज है, यहां अगर किसी के हुक्म की तामील होगी तो हमारे हुक्म की। हमारे निकलने की तैयारी कीजिए, और उसके पहले हमें इस पूरी कार्रवाई की जानकारी चाहिए। उस चांद बीवी को हम कुछ लेंगे।
तो बाप ने अपने छोटे से मेमने को हलाल होने के लिए भेज दिया, लेकिन उसने सोच भी कैसे लिया कि एक बच्चा हमारे किले पर हमला करेगा और हम देखते रह जाएंगे। माफ कीजिएगा बेगम सुल्ताना, लेकिन दानियाल के साथ अबुल फजल और अबीर रहीम भी। सबको अंदाजा हो जाएगा कि चांद बीबी को चुनौती देने का नतीजा क्या होता है। आपको पता है पहली दफा कोई फौज इस तरफ से हम पे हमला करने की सोच रही है, जंगल के रास्ते से, शुमाल की तरफ से। शुमाल की तरफ से? आप पूरे यकीन है? मतलब हम कहना चाहते हैं कि वो कौन सी फौज होगी जो इतने घने जंगलों से रास्ता ढूंढने की नाकाम कोशिश करेगी? मियां मंजू, ये तक हमने ऐसी दिन काटते हुए हासिल नहीं किया। हमारी नजरें हर तरफ रहती हैं। अब तक हमने सिर्फ मलिक अंबर की मदद से मुगलों पर हमला किया है, लेकिन अब अहमदनगर का सिक्का हर तरफ बोलेगा। लाहौर में हमारी जीत की आवाज इस तरह गूंजेगी कि हमें फिर चुनौती देने की उनकी कभी हिम्मत नहीं होगी। माफ कीजिए, आपके लिए खबर लेके आए हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं बेगम सुल्ताना। ख्याल रहे कि आज रात ही वो हम पर हमला करेंगे। हमारे तीरंदाज उनका इंतजार कर रहे हैं कि नहीं? आप बेफिक्र रहें बेगम सुल्ताना। ये खबर आप तक पहुंची कैसे? मतलब मुगल फौज इतने घने जंगलों से अपना रास्ता ढूंढ पाएगी क्या? हमारे खबरियों के हिसाब से मुगल फौज इस तरफ से ही आएगी। अकबर के सिपा सलार अब्दुल रहीम बहुत शातिर दिमाग है। उन्हें पता है कि किले का ये हिस्सा कम महफूज है। बहुत अच्छे, तो हमें भी जाकर देखना चाहिए कि हमारी फौज अपनी जगह पे तैनात है कि नहीं। हम जाएं? मियां मंजू, आप इतना घबराते क्यों हैं? सारे इंतजाम पुख्ता हो चुके हैं। चलिए अंदर चलते हैं और मुगलों को शिकस्त देने का जश्न मनाते हैं। हुजूर, उनके साथ सख्ती से पेश आइएगा। शहजादे, पुर्तगाली मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। बहुत खूब, उन्हें अंदर लाया जाए। एलमिरेंटे, पोर फेवर। शहजादे। और यह है पुर्तगाल सेना के सिपे सालार और उनकी बेटी। खुशामदीद, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जी हुजूर, आप उर्दू समझ सकती हैं। हमारी जरूरत आपकी बातें जनाब सिपह सलार के सामने रखने के लिए है। वल्लाह, चलिए इस बहाने आपके और हमारे बीच की दूरी थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों मोहतरमा, हमें नहीं मालूम था कि पुर्तगाली औरतें भी जंग करने आती। अच्छी तरकीब है, आपको देखते ही सारे फौजी अपने हथियार डाल देंगे। हुजूर, हमें अपनी कार्रवाई में देरी हो रही है, तशरीफ रखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मिर्जा के सभी बंदरगाहों पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। अगर आप हाथ बढ़ाकर अपनी वफादारी हमें दिखाएं, तो मुगल सल्तनत आपकी इस वफादारी की कीमत अदा करेगा। हुजूर, इनका कहना है कि इनकी फौज के बिना मुगल की फौज यह जंग जीत नहीं सकती। हमें मदद की कीमत 5,000 सोने की मोहरें और 50 संदूक भर जवाहरात और जो भी है हुजूर, इन्हें दे दिया जाए।
कीमत कहीं ज्यादा है। लेकिन ये कीमत इनकी दोस्ती से काफी कम है। फैसला लिया जा चुका है। जोर ये कह रही हैं कि गुजरात के सारे बंदरगाहों पर इनका हक है और अंग्रेजी सरकार को वहां आने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन हुजूर, खामोश मुस्ताक, औरतों को बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए, खासकर जब वो इतनी खूबसूरत हो। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं और वैसे भी हमें आज तक जंग का मतलब कभी समझ ही नहीं आया। आज आप किसी से जीत रहे हैं, कल कोई आपसे। आज आप किसी को मार रहे हैं तो कल कोई आपको मारेगा। हमें तो लगता है कि जंग को नहीं बल्कि प्यार को बढ़ावा देना चाहिए। क्या कहा इन्होंने? हम जानना चाहते हैं। हुजूर, इन्होंने आपकी तारीफ की है, कहा है कि आपकी सोच कमाल की है। जिस तरह से आपने हमें समझा है, काश कि हर कोई समझ पाता। क्या आप हमसे दोबारा मिलने आएंगी? वामोस अगोरा से डिस्पेडिड एलमिरेंटे फॉर फेवर। कितने प्यारे लोग हैं ये, कितने कमाल, कितने खूबसूरत, और हम इन्हें यूं ही दुश्मन मान बैठे थे। बेगम सुल्ताना, मुगल फौज के और कई सारे सिपाही हमारे तीरंदाजों के शिकार बन चुके हैं। हमारे मुताबिक वो और ज्यादा वक्त यहाँ टिक नहीं पाएंगे। हमें जंग में उठने वाली आवाजें बहुत पसंद है मियां मंजू। अजीब सी आवाजें आती, अगर सुन सको तो सुन। तलवार का म्यान से निकलते वक्त एक हल्की सी बेचैनी की आवाज, तीर के कमान से छूटने की सरसराहट, जब एक तलवार दूसरे तलवार से टकराती है और दुश्मन के जिस्म को चीर देती, उस वक्त दर्द से कराते हुए दुश्मनों की चीख और एक एक करके उनका जमीन पे गिरना, और आखिर में अहमदनगर के जाबाज फौजियों की बुलंद आवाजें जब जीत की खुशी का चीख चीख कर ऐलान करती, वही वही जंग की धुन है और हमें बहुत पसंद है। कुछ भी करके दानियाल को बचाना है, किसी भी कीमत पर। शहजादे को कुछ नहीं होना चाहिए। जामना के लिए इसी वक्त खबर पहुंचा दो। उनसे कहना कि वो फिक्र ना करें, शहजादे दानियाल अभी ठीक है और हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। जाओ। हाने खाना, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमने जामना के लिए खबर पहुंचा दी है। आइए दानियाल मियां को देखें।
Subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.